गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डिडाज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और आज मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो करो मीका। हाय हाय। तो मीकी आ गया है और ये पीछे पड़ा हुआ है, कान्हा को उठाओ, इनको नहाना है छत पे। ये छत पे नहाते हैं, तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं अपना काम स्टार्ट। अब मिलती हूँ आपसे आगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। तो आज हम बना रहे हैं जीरा आलू। इसमें मैंने आलू ज़्यादा बॉईल नहीं करे हैं, थोड़े से खड़े रखे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा मैश हो जाते हैं। और एक टिप देती हूँ इसमें कि मैंने इसकी रेसिपी कभी शेयर नहीं करी, तो आज शेयर कर रही हूँ। इसमें ना हमने सारे मसाले एक साथ ही डाल देने हैं और इनको मिक्स बाद में करना, यानी कि एक एक मसाला डाल के मिक्स करते रहो, उससे बहुत ज़्यादा घुटे घुटे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इससे ये खिले खिले बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची सा टेस्ट आता है इससे। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें डाले हैं नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, कश्मीरी मिर्च, चाट मसाला थोड़ा सा और थोड़ा सा अमचूर पाउडर बस। तो आटे में थोड़ा सा घी डाल के उसको भी गूंद लेंगे, इससे रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी करारी बनेंगी। अब इसको मैं निकाल के रखूँगी। और मैंने साथ में आज बनाए हैं आलू के पराठे, साथ में टिंडे की सब्जी भी बनी है और जीरा आलू, क्योंकि बच्चों को यही पसंद होता है। इसके अगर सिर्फ टिंडे बनाएंगे तो वो खाएंगे ही नहीं, बट उनको खिलाना होता है तो आलू भी बनते ही हैं, आप लोग कहते हैं हमेशा। और टिंडे की सब्जी बहुत ही सिंपल बनी है, थोड़ी सूखी सी बनाई थी ये, पेस्ट बना के इसका जो ग्रेवी होती है टमाटर प्याज की उसमें बनाई है ये, और नॉर्मल बेसिक वही मसाले। और आज बना रहे हैं हम गाजर का रायता। जीरा मैंने भून लिया है, गाजर को भी बॉईल करके उसमें डाल देंगे। सिंपल ही है इसकी रेसिपी, बहुत दिन हो गए थे तो इसके लिए हमने थोड़े से चेंज के लिए बना लिया है आज ये। तो गाइस, पर्पल पे आ गई है स्किन टेस्टिक सेल, जहाँ पे आपको मिल रहा है सभी प्रोडक्ट्स पर 50% तक ऑफ और 10% ऑफ ऑन एक्स्ट्रा कूपन कोड। तो वहाँ से मैंने मंगाए हैं वयम आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ मंगाए हैं गुड वाइब्स के, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने मंगाया है वयम आयुर्वेदा का स्किन टोनिंग रोज वाटर, ठीक है, ये रोज वाटर है और स्किन टोनर भी है। आप इसको इस तरह से जस्ट अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं या आप किसी फेस पैक वगैरह में भी, जैसे कि आप रोज वाटर यूज करते हैं इसको स्किन केयर में यूज कर सकते हैं, किसी भी फेस पैक वगैरह में यूज कर सकते हैं साथ में, और इसको इवन ऐसे ही स्किन पे टोनिंग की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, स्किन के टाइट पोर्स वगैरह जो हो जाते हैं ओपन पोर्स वगैरह उनको टाइट करने में हेल्प करता है। वयम आयुर्वेदा का हल्दी चंदन सूदिंग फेस पैक, ये फेस पैक है। अगर आप आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप वयम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। इसमें है ट्रेडिशनली टर्मरिक एंड सैफरन, ये फेस पैक है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में हेल्प करता है और स्किन के जो नेचुरल ग्लो है उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। साथ में मैंने मंगाई है वयम आयुर्वेदा की कुमकुमादी क्रीम, ठीक है, ये फेस के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको फेस और हेयर दोनों पे यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट स्मूथ ग्लोई बनाने में आपकी काफी हेल्प करती है, ठीक है। ये मैंने मंगाए हैं वयम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, साथ में मैंने मंगाए हैं गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट्स। गुड वाइब्स की सनस्क्रीन लोशन, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, आपको पता ही मैं हमेशा सनस्क्रीन यूज करती ही हूँ दिन में, और ये है SPF 50 जेल क्रीम है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई भी पैराबिन नहीं है, SPF 50 है, तो इतनी धूप और इतनी गर्मी में तो SPF 50 ही काम करेगी। मैंने मंगाई है गुड वाइब्स की ये सनस्क्रीन हूँ, और साथ में मैंने मंगाया है गुड वाइब्स का नाइट जैस्मिन ऑयल, बॉडी मसाज ऑयल है, ये पूरी बॉडी पे आप यूज कर सकते हैं, पूरी फुल बॉडी, इसको नहाने से पहले या नहाने के बाद आप यूज कर सकते हैं, इससे आप हेड मसाज कर सकते हैं और आप इससे स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करने के साथ साथ नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है।
तो पर्पल पे चल रही है 1 से 6 जून तक सेल, ठीक है, वहां पे 50% तक ऑफ है, स्किन टेस्टिक सेल है, आप जाइए फटाफट और जो भी आपको परचेज करना है आप वहां से ले सकते हैं, उसमें आपको 50% तक ऑफ मिल जाएगा। वहां पे सभी प्रोडक्ट्स पे सेल है और मैंने मंगाए हैं वयम के, वयम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स आप वहां से ले सकते हैं, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स ये तो मैंने मंगाए हैं, अभी मैंने आपके साथ शेयर करे थे एल्प्स गुडनेस के, बहुत सारे मैंने शैम्पू मंगाए थे उन पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, साथ में मैंने मंगाए थे डर्म डॉग के आपको प्रोडक्ट्स दिखाए थे तो डर्म डॉग के प्रोडक्ट्स पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, वहाँ पे आप उसके शीट मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं, सीरम ले सकते हैं, NYNB के प्रोडक्ट्स पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स पर आपको काफी अच्छा खासा सेल मिल जाएगा, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ये इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, कूपन कोड वगैरह ले सकते हैं, उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो ये हमारा आफ्टरनून टाइम है, इस टाइम पे हम बना रहे हैं दीदी के चैनल के लिए वीडियो और इसकी फुल वीडियो आपको मिल जाएगी शीतल डेढ़ा व्लॉग, शीतल डेढ़ा के चैनल पे, जिसके लिए हमने ये रिकॉर्डिंग करी है, कई सारे मेकअप लुक हैं, वो वीडियो आ चुकी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप देख लेना, क्लिक कर देना। तो ये हमारा इवनिंग टाइम हो गया है, अब मैं थोड़ी देर अपने स्किन केयर और हेयर केयर कर लेती हूँ, बाल वगैरह कॉम करके, और अब ऊपर जाएंगे वॉक के लिए। तो ये हमारा फ्री टाइम होता है शाम को चाय वाय के बाद, मैं फ्री हो जाती हूँ, बट इस टाइम अपने चैनल के अकॉर्डिंग या दीदी और सबके चैनल की जो एडिटिंग वगैरह होती है आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो सब काम मेरा होता है तो वो करूँगी, तो मैं अपने बाल वगैरह कॉम कर लेती हूँ। यहाँ पर बेटा ऐसे भी जाते गंदी बात, पापा की बात मानते हो, एक रात के लिए जाना बेटा, वहां बीमारी है ना कोरोना, इसलिए मना कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी मना करते हैं। पापा एक रात तो नहीं जा रहे, तुम कह रहे हो कि नहीं जाए, एक रात नहीं वो एक घंटे या एक पल में कोरोना वायरस लग सकता है किसी को, घूमना फिरना ट्रैवलिंग का रिस्क क्यों ले हम, गवर्नमेंट जरूरत क्या है घूमने की, तुम तो इतने समझदार हो। तो हो गई है इवनिंग और हमारी चल रही है यहाँ पे ग्रीन टी दोनों की, चाय के कम से कम हम 1.5-2 घंटे बाद ग्रीन टी लेते हैं, चाय हमने आज जल्दी पी ली थी और अभी हैं। ये सोच रहे मम्मी लेके चल लिए चीकू, आजा मैं खिलाऊंगी चावल, ओ गधा इधर से बोल रही हूँ मैं, तू और चावल तू ही आज है जा रहे हैं, आजा चीकू चावल खाएगा, चीकू ऐसे नहीं ये गलत है, हाँ ये देख आप तो अभी कुछ है ही ना, माल तो तेरे पास है, हाँ बेचारे पहली बार दही मिल रही है आज, नीचे देखे जा रहा हूँ दही खाऊंगी, ते पागल बना रही है तेरा कुछ ना दे रही तो है मम्मी, तुम्हें कहाँ टेंशन है, एसी चलाओ मुझे सर, हाँ तू सटक पहले तेरी जल्दी हो गया, खा ली चीकू तेरी दही, दही के बेचारे जीव निकाल रहा हूँ, हद है ना खाई, तेने झूठी, तेने झूठी कर दी, यानी रात खा पी के और पापा ने पूजा नहीं ज्यादा बिगाड़ रखा, हाँ एक दिन मेरे घर छोड़ दे, एक दिन छोड़ दे यार बस, फिर दे गया बच्चा, यू ले यू रुके ही ना यो भाग ले यू गेट खुलते ही दहशत की खौफ मिल जाए तेरे को, हाँ खा रहो
ओ नलायको तुम भी खा लो कुछ आ जाओ। पूजा लिया ने खाना खिला दो, बुला लिया ने बच्चे ने। घर का अपना डिनर गया साफ और वे देख कैसे पड़े ओंगे पोंगे। अच्छा मैं कितनी देर से बुला रही हूँ खाने के लिए। दाल चावल खा सकता हूँ? तो खा सकता है, नहीं भी खा सकता था। कौन सा? यू हाँ वो इतना सस्ता है। बेबी ना निकले जो जेल के दो हरा वारू मजेंटा। खा पी के चल रही है योगा और आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है इनके बाप बेटे के बीच में कंपटीशन, ठीक है? कौन कितना फ्लेक्सिबल है और अभी देखना भी दिखाती हूँ। ये देखो इन पे पैर ना रखे जा। तो इनका पैर नीचे रुकेंगे नहीं देंगे, पैर ना रुकेंगे नीचे। चलो थोड़ा सा डेट आ गई कि मेरे पैर ना नीचे ऐसे जाते हैं। क्या तो वही क्यों ना जान भाई और पापा का फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हो रहा है तो काना पहले वो करेगा। क्या बोलते हैं कौन सा आसन है वो, जो भी आसन है काना ये इस पैर को यहाँ रखना है, इस पैर को यहाँ रखना है। रखना उठाके बेटा रखना उठाके, पहले 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 एक पैर को रखना ऐसे, एक रख लिया अब दूसरे पैर ऐसे बस। अब हाथ को हाथ कर ले ऐसे और तपस्या कर, बोल ओम भूर भवश्य वाह। अब मैं देखो मैं हूँ थोड़ा सा अनफ्लेक्सिबल हुआ तो मैं ऐसे, ठीक है बुझा? लेकिन मेरे से ये वाला तो होगा नहीं, ऐसे भी हो जाए तो भी बहुत है मेरे साथ। ठीक है दोनों आउट हो जाओगे जल्दी जल्दी। अब रुक जा मैं बोलूंगा वही करना है। अप डाउन अप तू कैसे आउट हो जाएगा और लास्ट आ जाएगा डाउन लेट कर रहे तुम। अप डाउन डाउन आउट आउट हो आउट हो गया जो नेक्स्ट फ्लावर कलर है वो है ब्राउन। वन टू थ्री एक कोई ब्राउन कलर नहीं है तो तीनों आउट हो गए। ये ब्राउन बैठ नहीं गया तुम्हें
चलो अब तुम्हारा जो नया कलर है वो येलो येलो डर्टी फेलो। ठीक है, दोनों पास हो गए, 3 पॉइंट हो गए, 5 में से 3 पॉइंट हो गए। अब तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो सही कर देगा वो जीतेगा। अब तुम्हारा जो नया कलर है वो है वायलेट। 1 2 3 काना जीत गया, काल का कच्चा पकड़ लिया वायलेट कलर का। चलो अब आ जाओ अपने पढ़ाई वाले गेम पे। हिंट दे दे तेरे को। मैं तेरे पार्टी में आज ये कांच जिले सूंड फिला। हाँ तेरे मेरे घर कल आओ ना कल हल्का पूरी ना कुर्सी पूरी चिट्टे पट्टर वो तो बोला ही नहीं। आओ बैठो कुर्सी पर, आओ बैठो कुर्सी पर। भाई ये बताओ तुम फर्स्ट क्लास के बच्चे ये प्री नर्सरी वाली पोएम सुनाओगे? पुरानी थी इसलिए 1 नंबर कटा तुम्हारा। दूसरा तुमने एक गलती की उसके लिए तुम्हारे 2 नंबर कटे, इसलिए तुम्हें मिले 10 में से 7। अब मिकी की बारी है, मिकी कौन सी पोएम सुनाएगा? ईटिंग शुगर नो पा ईटिंग शुगर, पहले ही मान लिया कहानी खत्म, बस आउट। ये हाल है।